वहीं मोगा में पर्यावरण प्रेमी डॉक्टर बलविंदर सिंह लखेवाली की 70 पेज की किताब का लोकार्पण किया गया है। इस किताब में डॉक्टर बलविंदर ने पेड़ पौधे लगाने का समय और विधि के अलावा किस तरह से पेड़ पौधे लगाने चाहिए, इन सभी के बारे में बताया। इस किताब को लोकार्पण मोगा डिप्टी कमिश्नर कुलवंत और SP अवनीत कौर ने किया। उस पर्पस भी बहुत ही अच्छी इन वालों किताब लिखी गई है और मैं सबनों अपील भी करूँगी भी पढ़न भी और बहुत पढ़नी आसान भी है, बहुत छोटी जी किताब है और ताकि उसमें आप अपनी जी लाइफ विच लेके भी आ सके और रुख जड़े लगाने हैं तो एक तरीके ना लेके आइए ताकि उन्होंने जोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट है, रियल इफेक्ट है, वो अच्छी तरह अपनी सोसाइटी विच अपने सब पे हो। जाके फिर मोगे वर्गा बाजार या शिमले दाता बल्कि इस तो ज़्यादा भीड़ है, थों थों के लोग आए हुए ने उत्ते, छोटिया छोटिया दुकाना ने, टेढ़े मेढ़े उच्चे नीवे रस्ते ने, उत्थे जाके तुसीं इंजॉय नहीं करते, तो रस्ते च ही इंजॉय करते हो। मंजिल नालों रास्ता हमेशा ही महत्वपूर्ण होंदा है, वो ये किताब भी शादी भरूगी इस गल। लगता कि यह जिस हिसाब नाल तुसीं खास करके मीडिया वाले साथी भी पहुंचे हो कि यह किताब और मुख्य तौर पर यह किताब असी कोई मुल की नहीं रखी, यह डिपार्टमेंट वालों प्रशासन वालों उन्हां लोगों को असी मुफ्त देनी है, तो मैं लगता कि थोड़े थ्रू सुनेहा जाऊगा तो सारे तक किताब पहुँचूगी भी जिहड़े बंदे जेब चो दादा बन जूगा। तो ये जो इमोशनल कॉन्टेंट्स है ये इमोशनल इंटैलीजेंस जी हैगी मैं लगता है तरक्की करूगी, तो जिते ये जी हैगी डॉक्टर बलविंदर सिंह लखेवाली को बधाई है तो उत्थे सारे वेखण वाले वीरां नूं मेरी बेनती है भी ये जरूर पढ़ाई करो, इन्हें जरूर पढ़न का यतन करो। बहुत बहुत कि प्रशासन इतने पब्बा भर हो के अज योजे चंगे कामों यतनशील है, सो प्रेस का बहुत धन्यवाद है क्योंकि तुम इस गल दूर दर तक पहुँचा होंगे, सो सारिया तरह मिलकर जो पंजाब वाली काम कर दें अपने आबो वाली काम कर दें इस दे लई अज सारे तुसीं मोगा निवासी ते मोगे नाल संबंधित लोग बधाई दे पात्र हो कि तुहाडी धरती दे उत्तों इहो जिहा उगाज होया। इहदे राहीं ही सारे लोकां नूं जानना होऊगा दरख्त पालन बारे, ते असीं सारिआं नूं भरावां नूं इही अपील करांगे कि अपने खेतां 'च वध तों वध दरख्त लाओ तां कि अपना वातावरण सुधार हो सके और वधिया लाइफ स्टाइल अपना बन सके।